things first, very important issue and it's very important topic. The malnutrition, those people are working in the micro data analysis and household level analysis, especially in the public health side. तो उनको तो ये काम करना ही होता है कि हमें malnutrition indicators को compute करना होता है. Although I am not have a very rich knowledge on the malnutrition, that's why I will not talk much about on the medical side of the stunting, wasting and underweight malnutrition indicator, but from the statistician point of view, from the statistical point of view, I we want to know that how we can compute the malnutrition indicators. Basically, interpretation and linkages, there are some of the latest tests, but it's very important for the statistician how we can compute the malnutrition indicator. So let's move. Okay, so we have basically the different types of the malnutrition, in which we are discussing that ke underweight hota hai, phir stunting hume calculate karni hoti hai, aur wasting and overweight. So basically these names are a little bit confusing, but further explanation that is written over in the front of these indicators will be help to understand the issue. The weight for age, that's mean ke age ke accordingly agar bacche ka weight properly nahi hai to hum samajhte hain ki bachcha underweight ka शिकार हो सकता है. दोज चिल्ड्रन विच हाइट आर नॉट एज पर देर एज, सो बेसिकली दोज चिल्ड्रन आर कॉल्ड द, सो इफ द वेट इज नॉट अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मेल न्यूट्रिशन कैन बी कॉज, नंबर वन वेस्टिंग एंड ओवर वेट. सो अगेन द अंडरवेट, स्टंटिंग, वेस्टिंग अगर बच्चा हो जाता है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वॉट आर द रीजन्स, दैट बेसिकली आर डिस्कशन विच इज बिलोंग्स टू द डायरेक्टली विच डील्स द मेडिकल साइड ऑफ द मैलन्यूट्रिशन इंडिकेटर्स. वी आर नाउ जस्ट हियर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द मैलन्यूट्रिशन, क्योंकि हम अपने डाटा से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारे चिल्ड्रन थे, जो हम डाटा को हमने इस पर एनालाइज किया, वो मेल न्यूट्रिशन के शिकार थे या नहीं थे. एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन. सो हमारे पास जो डेटा सेट होगा वो अंडर फाइव का होगा, और ये इंडिकेटर्स कंप्यूट करने से पहले जो हमें डेटा सेट लेना है, जो उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि हमें वेट, एज, हाइट, ये तमाम चीज़ें हमें लेनी होंगी. अब इसका मकसद क्या है कि अगर हम ये चीज़ लेना चाहते हैं तो हमें उस बच्चे की वेट का पता होना ज़रूरी है, उस बच्चे की हाइट का पता होना ज़रूरी है. हाइट भी दो तरीक़ों से ली जाती है. लेट सपोज द चाइल्ड इज अप टू 2 ईयर्स, दैट्स मीन कि छोटा बच्चा है, चलने में मुमकिन है कि चल नहीं पा रहा हो, चलने 2 साल के बाद बच्चे अमूमन चलते हैं, तो वो बच्चे अपनी हाइट मेजर नहीं करवा सकते, वो अपनी लेंथ मेजर करवाएंगे. सो हम जो है उनकी लेंथ को फिर अगेन देन उनकी हाइट कंसिडर करते हैं. और दोज चिल्ड्रन दैट्स आर 3 एंड अबव, दैट मीन कि हम 5 साल तक के बच्चों का डाटा ले रहे हैं, तो 3 से 5 तक की जो कैटेगरी के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको फिर हम उनकी हाइट मेजर करते हैं. सो इन द नट शेल द हाइट इज इक्वल टू द लेंथ, दैट मीन हाइट एंड लेंथ आर दे आर इंटरचेंजेबली वी आर यूजिंग दिस वर्ड. सो राइट नाउ इफ यू वॉन्ट टू कम्प्यूट द मेल न्यूट्रिशन, सो एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा हमें चाहिए, और वो हमारे पास होगा हाइट एंड वेट. एंड डेफिनेटली वी विल मस्ट हैव द एज, और एज के लिए जो हमारे पास सबसे बेहतरीन इंडिकेटर होता है वो होता है डेट ऑफ बर्थ. बिकॉज वेन वी आर कैलकुलेटिंग इन्यूमरेशन ऑफ द डाटा, when we are enumerating of the data, so basically what we have a date of interview. So if we have the date of birth, the date of birth se hum uski foreign date of interview ke sath uski exact age and days, months and years mein nikal sakte hain. So we must have to work on the date of birth and date of interview. To automatically aapke paas aa jayi honge, aapne un dino mein interview conduct kiya hoga, you know that. But there is also a biggest challenge to find out the exact date of birth, बिकॉज के जब हम रूरल एरियाज में काम करते हैं, इवन डेट के अर्बन एरियाज में, तो लोगों को अपनी एजेस का अच्छे तरीके से पता नहीं होता. सो वी हैव द लॉट ऑफ टूल्स टू कैप्चर दिस इशू. इवन कैलेंडर्स वी हैव, दैट वी हैव ट्रेनिंग इज दैट वी हैव द डिफरेंट सीजन्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन यूज के हम उसको डेट ऑफ बर्थ को एस्टिमेट करें. And then if we are unable to find the exact date of birth, so we must have to have exact month of the date of birth.
कि अगर मंथ और ईयर भी हमें पता चल जाता है तो हम एक अच्छी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ द मेल न्यूट्रिशन जो हम देखी, और थोड़ी सी हमने इसका बैकग्राउंड भी देख लिया। अब हम फॉरन विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ द टाइम वी गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मेल न्यूट्रिशन। दिस इज द डाटा एंड वी नो डैट कि आई टोल्ड यू कि हमें एक बच्चा है, लेट सपोज उस बच्चे का हमें यहाँ पर एक आईडी मौजूद है। बेसिकली ये एनोनिमस डाटा है, उनके नाम हमने गायब किए हैं। अगर आपका कोई एक्चुअल डाटा होगा उसमें आपकी यहाँ पे एग्जैक्टली नेम, फादर नेम, ये सब चीज़ें आएंगी। सो वी हैव बेसिकली द आईडी इज शोइंग डैट कि ये जो है वो बच्चा है। बेसिकली ये हाउस होल्ड की आईडी है, और हाउस होल्ड की आईडी में जब ये 12 नंबर मिलता है तो ये एक यूनिक आईडी बनती है कि ये उस दिस हाउस होल्ड का ये 12th मेंबर होगा, जो कि एक बच्चा होगा जिसकी उम्र 5 साल से छोटी होगी और उसकी जेंडर ये होगी और उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है और इसका इंटरव्यू इस दिन कंडक्ट किया गया। तो ऑटोमेटिकली हमने इसकी फिर एज जो है मंथ में कैलकुलेट कर ली है स्पेसिस को यूज़ करते हुए, एंड देन फिर हमने उसकी जो वहाँ जाके उसकी जो है ना वेट और हाइट मेजर कर ली है। यहाँ पे लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर देयर एंड देयर सेक्सेस आर देयर एंड देन डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इंटरव्यू एंड दीज आर द हाइट ऑफ वेट। ये डाटा हम बिल्कुल क्लीनिंग फॉर्म में, स्मूथ फॉर्म में यहाँ पे ले लेते हैं। सो हमें देखना चाहिए कि डाटा के अंदर अपेरेंटली आउटलायर्स तो नहीं है, बिकॉज के होता क्या है कि जब हम ये देख रहे होते हैं तो हम इसको असेंड और डिसेंड करके वेट और हाइट के अंदर जो एनोमलीज होती हैं उसको एज के साथ पहले चेक कर लें, फिर उसको फील्ड से कंफर्म कर लें कि ये वाकई एनोमली है या इसको हम अपने डाटा में ले जाएं। तो जेंडर और समटाइम डेट ऑफ इंटरव्यू और डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी क्लैशेज होते हैं, तो ये तमाम क्लैशेज तो डाटा एनालाइजर जो लोग एनालाइज कर रहे हैं उनका काम है कि वो पहले डेटा को एनालाइज करने से पहले क्लीन करें कि उसमें इश्यूज ना आए। सो जब हमारे पास ये डाटा आता है, सबसे पहले हमारे पास टास्क होता है कि हम इसको इसकी हम मेल न्यूट्रिशन को कंप्यूट करें। अब वी नो डैट कि जब हमने यहाँ देखा था कि मेल न्यूट्रिशन में हमें एक मेल न्यूट्रिशन चाहिए WA, दूसरी हमें चाहिए HA और तीसरी चाहिए हमें WH, और WH बेसिकली अगर हमें मिल जाती है तो उससे हम दो इंडिकेटर कंप्यूट कर लेते हैं। ये दो कैसे बनेंगे इसको भी हम आगे सीखते हैं। तो पहला टास्क हमारा ये आ रहा है कि सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो ये डाटा सेट है इससे हम कैसे अपने इन स्कोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इन दोनों वेरिएबल्स को यूज करके और एज को एक बेंचमार्क बना के बता दे कि बच्चा जो है वो उस वक्त इनमें से किस किस मेलन्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। सो इसके लिए WHO का एक सॉफ्टवेयर WHO एंथ्रो प्लस जो इजीली अवेलेबल होता है, आपके गूगल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एंथ्रो प्लस के अंदर हम जो है वो अपनी इन स्टार्टिंग वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करेंगे। सिंपल है, आप यहाँ पे गए, इस पे तीन ऑप्शंस हैं, वी मस्ट हैव टू बी हेयर, न्यूट्रिशनल सर्वे। अच्छा, न्यूट्रिशन सर्वे जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो अपेयर होगी। अब यू नीड अ डाटा हेयर बिकॉज आपको डाटा इंपोर्ट कराना है, इसमें लेके जाना है। अब डाटा जो आपके पास मौजूद है वो यहाँ पे मौजूद है SPSS के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कैसी फॉर्म बनाएं जो कि ये जो सॉफ्टवेयर है आपका एंथ्रो प्लस वाला ये इसको एक्सेप्ट कर सके। तो हम यहाँ पे जाते हैं SPSS के अंदर एंड वी गो देयर एंड वी एक्सपोर्ट आवर डाटा इन द फॉर्म ऑफ डी बेस। लेकिन डी बेस ही डेटाबेस बना देगा। डेस्कटॉप पे इसको रख लेता हूँ अपने, दिस इज अ डेस्कटॉप एंड वी फॉन्ट कि मैं इसकी एक फाइल बना रहा हूँ एंथ्रो YTDBF एंड देन मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब देखिए मैं जाके डेस्कटॉप पे चेक करता हूँ तो मेरे पास एक DBF की फाइल यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर न्यूट्रिशन सर्वे को क्लिक करा हुआ है हमने और यहाँ पर इम्पोर्ट कराना। आप नेशनल न्यूट्रिशन में गए, यहाँ पर इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल, ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पे मौजूद है, हमने क्लिक किया इसको। क्लिक के बाद हम डेस्कटॉप पे जा रहे हैं, ओके एंड डेस्कटॉप पे हमें एक फाइल मिल रही है एंथ्रो YTDBF, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा यह मुझे बताएगा कि यहाँ पर आपके पास जो मुझे फील्ड्स चाहिए और मुझे आपके डाटा में ये वेरिएबल्स मिले हैं तो क्या मेरे ये सही है। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज, कि अगर ये ऑटो डिडक्शन में कोई इशू करता है तो आपको चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारी सर्वे डेट मौजूद थी जिसको डेट ऑफ इंटरव्यू कहते हैं,
तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ उसको डेट ऑफ इंटरव्यू को सिलेक्ट कर देते हैं। वी डू नॉट हैव द क्लस्टर इन्फॉर्मेशन, वी डू नॉट हैव द टीम इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू हैव सो यू कैन पुट देयर। वी हैव द आईडी, ओके फाइन, आईडी हाउस होल्ड का हमें नंबर नहीं लेना, दैट्स मीन सेक्स इज देयर बिकॉज द जेंडर वेरिएबल इज द सेम वन, डेट ऑफ बर्थ इज देयर, एज इन मंथ, यस वी हैव ऑल्सो वेरिएबल एज इन मंथ, हम उसको यहाँ पे ले सकते हैं। और सेकेंड थिंग इज डैट के वेट का वेरिएबल इसने उठा लिया है, सही, और वेट के वेट गई है वो, और हाइट का वेरिएबल भी इसने उठा लिया है। वी डू नॉट नीड द अदर वेरिएबल, जस्ट वी क्लिक ऑन इट। अच्छा, जैसे हमने इसको क्लिक किया तो इसने एक मैसेज दिया, इस मैसेज को जरूर पढ़ना है आपने, कि वॉज सक्सेसफुली इम्पोर्टेड बट वन आर मोर फील्ड वर मिसिंग आर कंटेन इनवैलिड वैल्यूज। तो कुछ वैल्यूज हो सकता है डेटा में ऐसी जो इनवैलिड होगी या मिसिंग हो सकती हैं, इस डो नॉट वरी अबाउट इट, बट ये सक्सेसफुली इम्पोर्ट हो गया। जस्ट उसको आप क्लिक करें एंड देन वी विल सी डैट कि आपका ये डाटा आपके पास आ गया। अगर इस डाटा को आप देखें, इसमें सर्वे डेट भी आ रही है, क्लस्टर, और ये आपने नहीं डाली थी, आई डी मौजूद है, जेंडर मौजूद है, डेट ऑफ बर्थ मौजूद है, और ये दो वेरिएबल इसने खुद ही कंप्यूट कर लिए, डेज में भी कर लिया, मंथ भी कर लिया, यहाँ पर आपने इसको दिया था इसने ये ऑटोमेटिक ले लिया। एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट कि इसने आगे आपके ये जो वेरिएबल्स हम यहाँ पे देख रहे थे, जो हमें रिक्वायर्ड थे, इसने कंप्यूट कर दी, डब्ल्यू ए एच ए और डब्ल्यू एच। अब इसको ज़रा समझिएगा कि डब्ल्यू ए तो आपको समझ में आ रहा है, एच ए भी समझ में आ रहा है, ये बी ए जेड, ये बेसिकली बी एम आई फॉर एज होता है। यहाँ पर हम उसको वेट फॉर हाइट भी ले लेते हैं, तो हम इसको एज ए इंटरचेंजेबली इन दोनों वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो डोंट बी कन्फ्यूज कि बी ए जेड को हम डब्ल्यू ए जेड से निकालेंगे, इसको आप इससे कन्फ्यूज नहीं होना आपने इससे। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसने ये वेरिएबल्स देखें, सिर्फ इन वैल्यू की बुनियाद पर कंप्यूट कर दिया और हमारे पास ये डाटा आ गया। अब द नेक्स्ट स्टेप इज डैट कि हाउ वी कैन अगेन एक्सपोर्ट दिस डाटा इन टू द एसपीसीज, बिकॉज के यहाँ पर तो हम एक लिमिटेड लेवल की एनालिसिस कर सकते हैं और हमें इस डाटा को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, तो हमें एसपीसीज में जाना होगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मैं इसको पहले थोड़ा यहाँ पर भी आपको समझाता हूँ कि जो डाटा आ रहा है उसके रिजल्ट्स में आप क्लिक करेंगे तो रिजल्ट्स में देखें आपको फॉरन ग्राफ नजर आना, और ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है। ये बता रहा है कि वेट फॉर एज जो कि अंडर वेट की निशानी होती है, ये बता रहा है कि इसके अंदर ही जो रेड लाइन है ये आपके डाटा से मैंने कंप्यूट की है। अच्छा, वॉट एवर इज इन दी ग्रीन बॉक्स तो वहाँ तक तो आप सेफ हो, बिकॉज के -2 SD से नीचे जो है वो इशू है ना अब, बट यू आर बेसिकली इन द रेड लाइन, जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ये सारे बच्चे हैं, ये या इस थोड़ा सा और आगे भी ले लूँ कि ये इशू होता है -2 SD से, डेफिनेशन पे मैं अभी आना है, मुझे बात करनी है। तो ये जो आपका पोर्शन है ना, ये जो है वो बता रहा है कि यहाँ के बाद जो है वो इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। एंड देन ये जो जहाँ पर आपका ये इसको एक्स एक्सिस से टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम कैटेगरी -5 से आउट है, तो -5 का मतलब ये कि इससे आगे आउटलायर है। सेम थिंग इज डैट कि अगर मैं स्टंटिंग की बात करूँ, तो स्टंटिंग के अंदर भी मुझे इसने इस वहाँ पर इशू और थोड़ा सा ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये आउटलायर पहले यहाँ तक थे अब यहाँ तक हैं, और डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन भी और नज़र आ रही है। और अगर मैं बी एम आई फॉर एज की बात करूँ, जिसको हम वेस्टिंग भी कह रहे हैं, और उसमें तो इसमें बेसिकली दोनों साइड पे इश्यूज होते हैं, बिकॉज कि अगर यहाँ पर है तो ओवरफेड है बच्चा, और यहाँ पर है तो वेस्टिंग कर रहा है ना। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये रिजल्ट्स तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन वी वांट बेसिकली द डाटा, माइक्रो डाटा, कि हमें ये स्कोर जो है ना बच्चों के आगे जैसे कंप्यूट हुए हैं वहाँ चाहिए। तो इसके लिए आपने सिंपल ये करना है, स्टेप को याद रखें, इसको यहाँ से मैंने ये किया तो सारे सिलेक्ट हो गए, फिर मैं यहाँ से जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ, और ये मैं जाता हूँ सर्वे में कि कॉपी रिकॉर्ड्स टू क्लिपबोर्ड, ये इसने सारे कॉपी कर लिए। अब कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ एक्सेल, और यहाँ मैंने एक एक्सेल खोली हुई है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, और मैं इस पे जाके पहले सेल पे जाके जस्ट पेस्ट करता हूँ, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास एग्जैक्टली आ गई जो कि हमारे पास वहाँ पर थी। तो डोंट वरी अबाउट इट कि ये सारा कैसे हो गया, और बहुत सिंपल है। अब हमें इसमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, वो स्टेप्स आपने ज़रूर याद रखने हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले इसको करने से पहले हम अपनी फाइल को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, कि ये दो वेरिएबल खाली हैं इनको डिलीट कर देते हैं, और इसके बाद ये हाउस होल्ड वाली इन्फॉर्मेशन भी खाली थी इसको भी डिलीट कर देते हैं, जेंडर हमारे पास रहने दें, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, एज इन बर्थ
भी सही है, एज एंड मंथ भी सही है, वेट में सही है, ओडिमा और रिकमेंडमेंट ये हमें चाहिए, इसको भी डिलीट कर देते हैं। हाइट हमें चाहिए, ये दोनों तो वेट्स हैं आपको पता है, और ये फ्लैग वाला वेरिएबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैग वेरिएबल बेसिकली आपको ये बता रहा है कि ये जो केसेस थे ये आपके डाटा के आउटलायर बन गए, यानी कि जो हाइट और वेट है वो इस तरह से कलेक्ट हुई है कि जिनमें मुमासलत नहीं है, जो कि एक ऑड बिहेवियर दे रहा। तो देख रहे थे कि आप जो आपकी लाइन जो थी वो बाहर जा रही थी उस -5 और +5 की रेंज, तो ये वो सारे वेरिएबल्स को कहता है कि यहाँ पर देयर इज सम इशू इन द डेटा कलेक्शन। इसलिए इन चीज़ों को हमें डेटा कलेक्शन को बड़ी इंपॉर्टेंट, ये आमतौर पे कुछ ना कुछ परसेंटेज का ज़रूर आता है, क्योंकि आप एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन हम गायब नहीं कर सकते। तो अगेन डोंट वरी अबाउट इट कि ये क्या है, लेकिन अब इसको एनालाइज कैसे करना है इसको आइए देखते हैं। तो ये जो दो वेरिएबल हैं वेट फैक्टर और ई डी ओ बी, ये भी हमें हम जो है वो नहीं कर रहे, एंड देन फिर इसको हम जो है वो डिलीट कर रहे। तो फाइनल फाइल में आपको ये वेरिएबल नजर आ रहे हैं। अब मेरा मानना ये है कि ये जो है इन सबको सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये फिल्टर का वेरिएबल नजर आ रहा है, और सबसे पहले मैं इसकी पहली रो को सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल्टर साइन कर देता हूँ। फिल्टर साइन करने के बाद गौर से देखिएगा कि यहाँ जो है मुझे ये वेरिएबल जो है बेसिकली मैं इसको अगर सेंड करूँ तो ये देखें मुझे सारे कुछ फ्लैग्स मिल रहे हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट के कुछ जगहों पर दोनों जगह से फ्लैग, यानी कि यहाँ पर एच ए जी का मसला भी है और डब्ल्यू ए जी का मसला भी है। यहाँ पे सिर्फ एच ए जी का मसला है, यहाँ पे सिर्फ आपके पास जो वेस्टिंग वाली साइड है उसका मसला है। तो ये मुझे सेपरेट करने हैं, और सेपरेट करना यूँ ज़रूरी है कि जिस केस में जिसका मसला आएगा मुझे वो वेरिएबल अपनी मैल न्यूट्रिशन कैलकुलेशन में नहीं लेना। तो अब मुझे इनको सेपरेट करना है तो मुझे इनके सेपरेट वेरिएबल चाहिए। अब ये सब क्लब हुए हैं और ये है टेक्स्ट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो मुझे जब ये मैं एसपीएसएस में इसको लेके जाऊंगा तो ये मुझे एनालाइज करने नहीं देगा, तो मुझे यहाँ पर ही इसको ब्रेक करना है। अब मैं आपको ब्रेक में एक थोड़ा सा स्टेप बताता हूँ, फिर आप उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सबको ब्रेक कर दीजिएगा। मैं सबसे पहले इसको यहाँ से उठा के कट करके मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, और ताकि ये वाला जो है मैं इसको माइनस करके मैं इसको क्यों लेके ले गया मैं, कि मैंने इसको जो मैंने सारा इसको एक तरफ किया था, अब मैंने इसका ये सारा सिलेक्ट कर लिया, ये सारे केसेस मेरे सिलेक्ट हो गए, देखें क्योंकि मैंने फिल्टर लगाया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली मैं इसको जो है ऊपर ला सकता हूँ। ये देखें आप यहाँ फिल्टर लगा हुआ है। अब यहाँ पर सिलेक्ट होने के बाद इसको डाटा में जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलिमिटेशन की तरफ जाता हूँ, टेक्स्ट टू कॉलम, और डिलिमिट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसको खोलना चाहता हूँ, नेक्स्ट करूँ, और कॉमास जो आ रहे हैं ना इसके दरमियान में जिनको सेपरेशन करते हैं वहाँ से मुझे कॉमा करके नेक्स्ट कर दे। अब ये जिस सेल में मुझे कराना है ना मैं इसके आगे वो सेल में कि इससे आगे मुझे ले जाए, ताकि मुझे पुराना वाली चीज़ें अपनी जगह बरकरार रहे, ताकि मैं देख सकूँ कि मैंने सही काम किया या नहीं। ओके करता हूँ, फिनिश करता हूँ। देखें यहाँ पर देखें बी ए जी बी आई, देखें एच ए जी एच ए जी एच ए जी, देखें यहाँ पर ये डबलिंग थी, इसने कॉमे से सेपरेट कर दिया इसको। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें जो है वो इसको तोड़ने में आसानी होगी। अब जब ये टूट जाता है तो मुझे यहाँ पे बनाने में इस वेरिएबल को भी इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा, और इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन इन दोनों को नहीं इंपॉर्टेंट दे रहा। मैं यहाँ पर नए तीन वेरिएबल बना रहा हूँ, सबसे पहले डब्ल्यू ए जी, फिर बना रहा हूँ एच ए जी, और मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है बी ए जी से डब्ल्यू एच जी। ठीक है, ये तीन मैंने नाम कर दिए। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि यहाँ से अब मुझे इन दोनों वेरिएबल्स को बेसिकली क्लियर करवाना है, इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले इसको यहाँ से जाके असाइन किया, और यहाँ पर असाइन करने के बाद मैं जितना भी बी ए जी आएगा, ये मैं यहाँ तक देखता हूँ कहाँ तक आता, ये एच ए जी आना शुरू हो गया, ये बी ए जी ये आ गया पूरा, इसको मैंने कट किया, और कट करने के बाद में इसको बी ए जी को बेसिकली मुझे लेके जाना है डब्ल्यू एच जेड के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ से देखेंगे ये बराबर गायब हो गया जहाँ तक भी आ गया। अब मैं आता हूँ एच ए जी,
अब एच ए जी को मैंने सिलेक्ट किया, ये कहाँ तक जा रहा है जनाब, ये मुझे देखना है बड़े गौर से कि ये एच ए जी नीचे तक जा रहा था, ये यहाँ तक आ रहा है एच ए जी, यहाँ से मैंने इसको कट किया। एंड कट करने के बाद इसकी वैल्यूज जो है मुझे पेस्ट करनी है इन तीनों कॉलम में से, इसमें इसमें या इसमें, लेकिन अब कहाँ करनी है, एच ए जी सेकेंड वाला कॉलम है, मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँ। केसेस की आगे केस होनी चाहिए, अगर ये केस आपने गलत तरीके से पेस्ट कर दिए मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। मुझे एन नंबर कॉलम खाली करना है, एन नंबर कॉलम में कुछ इन्फॉर्मेशन अभी बाकी है, आखिर में लास्ट में ये इन्फॉर्मेशन बाकी है, ये अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो मेरी ये पूरा एन नंबर कॉलम खाली हो जाएगा। अब ये डब्ल्यू ए जी पहले वाले खाने में डालना है, यहाँ मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो इस तीनों कॉलम में कोई ना कोई वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन अभी एन नंबर कॉलम तो खाली हो गया है पूरा आप देख सकते हैं, लेकिन ओ नंबर कॉलम अभी में कुछ बाकी है। मैं अगर इसमें देखना चाहूँ कि क्या बाकी है, तो ये वो इन्फॉर्मेशन है डब्ल्यू एस जी वाली जो कि बाकी है। मैं इस पूरी को सिलेक्ट करता हूँ नीचे तक और कट करता हूँ, और डब्ल्यू एस जी यानी सेकेंड पहले नंबर पे ही होता है, पहले नंबर पे होता है, पहला नंबर पी है, तो मैं इसको वहीं पे अपनी जगह पे ही उसके सेल के सामने ही पेस्ट कर देता हूँ। तो ये ओवरलैप भी नहीं हुआ, देखें ओवरलैप नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला डब्ल्यू सी यहाँ से आया है, वो वाला वहाँ से आया है, और ये यहाँ तक हमारे पास आराम से आ गया। तो अब मुझे लगता है डब्ल्यू ए जी एच ए जी डब्ल्यू एस जेड के फ्लैगिंग वाले केसेस सेपरेट हो गए, जो कि हमने इन दो कॉलम में ब्रेक किए थे, अब इन दो कॉलम को हम डिलीट करने जा रहे हैं। एंड देन आवर फाइल इज रेडी टू वर्क। और अगर हम ये देखते हैं कि ये तीनों कॉलम हमारे पास सेट हो गए, तो अब जस्ट वी बेसिकली डू दैट कि हम इनके सबसे पहले ये फिल्टर्स जो हमने लगाए थे इनको ये ख़त्म कर देते हैं, फिल्टर में जाके इनको ख़त्म कर दिया। अभी अब पूरी फाइल आपके पास आ गई। इस फाइल को बेसिकली आपने एक्सपोर्ट करना है एस पी एस एस के अंदर, तो वी आर गोइंग इन टू द एस पी एस एस, दिस इज एस पी एस एस फाइल, और यहाँ पर हम फाइल में जाएंगे, इम्पोर्ट डाटा करेंगे और एक्सेल से चाहते हैं। तो एक्सेल में अभी तक हमारे पास कोई फाइल डेस्कटॉप पे इस तरह की नहीं आ रही, बिकॉज के हमने उसको सेव नहीं किया है। तो हम इस फाइल को पहले सेव करें, सेव करने जाते हैं, सेव करते हैं और डेस्कटॉप पे सेव करता है हमें, पॉज करते हैं देखते हैं, एंड वी नीड बेसिकली द डेस्कटॉप, एंड डेस्कटॉप इज दिस, एंड वी आर गिविंग द नेम के एंथ्रो कैलक्यूलेटेड, ठीक है ना, और ये सेव कर लिया हमने। अब दोबारा एसपीएसएस में जाते हैं, यहाँ पर हम इसको ओपन इंपोर्ट फाइल फ्रॉम एक्सेल, एंड ऑन द डेस्कटॉप वी आर दिस फाइल इज अपेयरिंग, वी सिलेक्टेड इट एंड देन ओपन, एंड इफ यू वांट टू ओपन, सो इस टाइप का आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास कुछ डाटा दिखा रहा है कि आपका ये डाटा मैं लेके आ रहा हूँ, तो हम कहते हैं वेलकम एंड देन ओके, एंड द न्यू फाइल ऑफ द एसपीएसएस इज देयर। अब ये थोड़े से बड़े बड़े से कॉलम हैं, इनको अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर लें, छोटा छोटा कर लें, तो ये सारे हमारे पास विजिबल हो जाएंगे। इनको थोड़ा सा छोटे जो है उनको हम खोल लेते हैं। तो ये पूरी फाइल बेसिकली नाउ इट्स अंडर आवर एक्सेस, एंड हम उसको पूरा देख के एनालाइज कर सकते हैं। तो जनाब सर्वे की डेट आ गई है, बच्चे की आईडी आ गई है, और बच्चे की आईडी में एक और इम्पोर्टेंट वेरिएबल है, मैं इसको मिला के रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये दोनों बेसिकली आईडी बन जाएंगी, ये उसकी जेंडर आ गई है, डेट ऑफ बर्थ किस डेट पे बच्चा पैदा हुआ, उसकी एज, और ये तीन चीज़ें एज इन मंथ, वेट इन केजी, हाइट इन सेंटीमीटर, और ये हमारे पास तीन इम्पोर्टेंट वेरिएबल। अब टास्क क्या, अब हम कुछ टास्क पे जाते हैं, हमें तीन चार टास्क परफॉर्म करने हैं और हम इजीली अपने वैल नोटेशन के इंडिकेटर्स को कंप्यूट कर लेंगे। नंबर वन, हमने पीपीटी पे गए और हमने टास्क देखा, हम टास्क पढ़ते हैं। टास्क द फ्लैग वेरिएबल, रिकॉर्डिंग ऑफ फ्लैग वेरिएबल कन्वर्टिंग इनटू द न्यूमेरिक, लेबलिंग नो एरर एंड एरर फ्लैग, यानी कि हमारा इस वक्त जो फ्लैग का वेरिएबल है वो बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्म में है, हमें एनालाइज करना है तो उसको न्यूमेरिक करेंगे, और न्यूमेरिक करने के बाद उसके अंदर दो केस बनाएंगे कि जहां पर आपको एरर नहीं है और जहां पर एरर आपको है। तो अगेन वी गो देयर इन एस्पेसिस और हम देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि इस फाइल में देखते हैं कि सबसे पहले हम डब्ल्यू ए जी की बात करते हैं, और डब्ल्यू ए जी की जो इसने वेरिएबल बनाए हैं इसको हम डिसेंड करते हैं।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास वेरिएबल आ गए, तो ये तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो बेसिकली आपकी फ्लैग हो रहे हैं, और इसको हम देखते हैं कि जब जैसे इसके अंदर फौरन इसको राइट क्लिक करके इसका डिस्क्रिप्टिव रन करें तो पता चलेगा कि इसमें दो केसेस हैं, WAZ एक स्पेस के साथ लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिक कन्वर्टेड हुआ है, आपने इसमें कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इसको देखना है कि इसमें कितने केसेस हैं। WAZ एक स्पेस के साथ आ रहा है और एक सिंपल आ रहा है। अब ये टेक्स्ट है, इसको मैं हिला भी नहीं सकता ना, ये नंबर नहीं था। तो टोटल 89 + 22 एक ऑलमोस्ट 111 केसेस बनेंगे शायद, जो कि 1549 बच्चों में है जिनको हम वेट फॉर एज के लिए अपनी स्टडी में एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें 111 केसेस आउट ऑफ 1549 बेसिकली हमें आउटलायर नजर आ रहे हैं, तो उसको हमें अपनी स्टडी से आउट करना होगा। ओके, अब द नेक्स्ट टास्क इज दैट के पहले इसको हम टास्क के मुताबिक इसको हम न्यूमेरिक में कन्वर्ट भी कर दें और इसकी रिकोडिंग कर दें 1 और 2 के साथ कि भाई इसमें एक एरर नहीं है और एक एरर फ्लैग वाले केसेस हैं, बिकॉज हम जब वो सिलेक्ट करेंगे फिर WAZ की वैल्यू लेंगे तो फिर हम स्टंटिंग या वेस्टिंग की तरफ कैलकुलेशन की तरफ जा सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट के सिंपली अगर इसको देखें तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ केसेस हैं, क्योंकि मैं इसको अगेन डिस्क्रिप्टिव लेता हूँ तो इसमें सिर्फ एक ही है और 224 बच्चे ऐसे हैं जो कि आपको एनालिसिस से बाहर निकालने होंगे, तो HSE। तो इसी तरह से मैं अगर ये लेता वाला WXZ वाला और इसकी एनालिसिस, तो यहाँ पर 81 बच्चे ऐसे हैं जो कि हमें ओवरवेट और इससे हमें बाहर निकालना है वेस्टिंग वाले एनालिसिस से। तो इसको हमने इसके लिए इसमें एक बड़ी लंबी प्रोसेस होता है कि हम उसको पहले इसको कन्वर्ट करें, फिर इसके अंदर एक रिकोडिंग करें, फिर उसके अंदर हम लेबलिंग करें। तो इसके लिए आई हैव रिटन अ कोड फॉर यू पीपल, और आप देख सकते हैं कि हमने एक सेंटेक्स लिखा हुआ है और उस सेंटेंस को आप बगौर पढ़ें, बार बार पढ़ें और आपको देखें। मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। ये कह रहा है कि वेरिएबल का नेम ये है और इसमें मुझे दो मुख्तलिफ किस्म के रिस्पॉन्स मिले, और जिसको मैं कह रहा हूँ कि इसको 2 के बराबर कर दे तो ये न्यूमेरिक बन जाएगा, और उसको मुझे सेव कर दे WSZ2 के अंदर, एक वेरिएबल बना दे WSZ2 के नाम से, और जो सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन है उसको 1 करार दे दे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सेकेंड स्टेप है। मैं पहले स्टेप में रिकॉर्डिंग इनटू द डिफरेंट वेरिएबल, और जो डिफरेंट वेरिएबल न्यूमेरिक बन जाएगा फिर रिकॉर्डिंग इन द सेम वेरिएबल, ये दोनों कमांड्स हैं, ये आपने इस तरह चलानी है। तो आपके पास जो एक नया वेरिएबल WAZ के नाम से बनेगा उसके अंदर दो रिस्पॉन्सेज होंगे, एक 1 एक 2, और फिर उसकी ये वैल्यू लेबलिंग कर देगा कि 1 शो कर रहा होगा कि भाई एरर नहीं है, इनको यूज कर लो अपने एनालिसिस में, और 2 शो कर रहा होगा इनमें एरर है, ये केस फ्लैग हुए हैं, इसको अपने एनालिसिस से आपको बाहर निकालना होगा। सिमिलरली HAZ में हमें एक ही रिस्पॉन्स मिला था स्ट्रिंग का, हमने उसको 2 के बराबर किया, सेम टेक्निक अप्लाई करी फॉर HAZ फॉर WSZ। और यहाँ याद रहे कि यहाँ पर वेरिएबल जो अंदर पड़ा हुआ है हमारे पास, वो जो एंथोप्लास ने कैलकुलेट किया वो BAZ के नाम से है, बट वी हैव दिस WSZ। अच्छा ओके, तो ये तीनों ये हम रन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। हम सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे तीनों को और हम इसको एक रन का बटन जस्ट प्लग करेंगे, अगर कोई एरर होता तो वो यहाँ पे शो कर देता, इसने कोई एरर शो नहीं किया। एंड नाउ वी वांट टू गो ऑन दी आउटपुट विंडो, एंड आउटपुट विंडो में हम देखना चाहते हैं कि ये अगर यहाँ पर सक्सेसफुली दिखा रहा है तो इसका मतलब ये रन हो गए हैं। एंड देन मिनिमाइज इट एंड गो टू द डेटा फाइल्स कि ये वाकई हुए या नहीं हुए, और जब हम डेटा फाइल में जाते हैं तो देखें इसने यहाँ पर ये 3 वेरिएबल बना दी, लेकिन ये सब खाली है। यू हैव टू प्रेस प्रेस सेव बटन टू अपेयर डाटा, जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो ये कहता है आपका फाइल सेव नहीं है, पहले आप फाइल सेव करें। अगेन डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं एंड थ्रू कैलकुलेटेड के नाम से ये फाइल सेव कर लेते हैं। ओके, जैसे हमने सेव किया तो ये देखें डाटा यहाँ पर आपके पास जो हमने कमांड्स रन की थी ये आना शुरू हो गई, और बता रहा है कि देखें ये एरर है, इसको यूज़ नहीं करना, ये नहीं एरर नहीं है, यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स मीन हमारे पास ये ऑल 3 वेरिएबल्स हैव बीन फाइनलाइज बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, और ये फ्लैगिंग हो गई। अब आते हैं मेन काम पे कि टास्क 1 पे फ्लैगिंग कर ली और सारा कुछ कर लिया। अब बात यह है कि जनाब ये तो सब चीजें री स्कोर बन गया, फ्लैगिंग हो गई, पता चल गया, असल बात यह है कि किसको स्टंटेड बोलेंगे, किसको अंडरवेट बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। तो ये एक बेसिकली डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जो कि आपको समझाएगा, जो कि आपको समझने में मदद देगा। एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी पसंद आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें और आगे इस वीडियो को शेयर करें। सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग के हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास आपके पास बेसिकली है क्या, एक अंडरवेट का वेरिएबल है
जिसको हम ये कह रहे हैं कि आपका वेट फॉर एज, और वेट फॉर एज के हिसाब से आप ले रहे हैं। अब इस वेरिएबल में अगर आप ये देखते हैं कि हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज हैं जी स्कोर जो कैलकुलेट हुआ है वो हुए हैं बहुत सारे, तो बोथ साइड ऑफ नॉर्मल कर्व कुछ फ्लैट केसेस हैं। ये वो फ्लैट केसेस जो नजर आ रहे हैं जिनकी वजह बनी है कि ये -5 से या तो नीचे होंगे या ऊपर होंगे। एक एक बात, तो इसका मतलब ये है कि हमें इनको अपनी स्टडी में डालना ही नहीं है, वो जो बच्चे हम बाहर निकाल रहे हैं आउटलायर समझ के। अब -5 से +5 तक को सबको अंदर लेके आ रहे हैं स्टडी के अंदर, लेकिन उसके अंदर भी एक लिमिट बना रहे हैं कि जैसे अगर ये स्ट्रेट लाइन चल रही है तो ये -5 के बाद जो -5 से बड़ा होता है वो -3 होता है, फिर -3, फिर -2, फिर ये पॉजिटिव नंबर होंगे, इस तरह ये 5 तक जाएगा। तो व्हेन वी विल से दैट कि द चाइल्ड इज सीवियरली अंडरवेट, जब उसकी जी स्कोर -3 पॉइंट से बिलो हो जाएगा और नीचे, यानी -3 से -5 की तरफ मूव करेगा। और सेकंड थिंग के हम कब कहेंगे कि बच्चा जो है वो मॉडरेटली आपका अंडरवेट है, जब उसका -2 पॉइंट यानी बिलो माइनस टू मतलब ये कि -2.001 से नीचे सारा और अप टू 3 तक मॉडरेट होगा। अगर -2 से अबव जितना भी है वो सारा एरिया बट नॉट ग्रेटर देन 5, ये तमाम बच्चे नॉर्मल हैं, मतलब इनको अंडरवेट का प्रॉब्लम नहीं है। बाय यूजिंग द सेम टेक्निक वी आर कंसिडरिंग द स्टंटिंग, और हम इसको भी इसी तरह से एनालाइज करेंगे कि ये फ्लैग केसेस हैं जो हमें आउटलायर के तौर बाहर निकालने हैं और ये हमारे पास थी। द थर्ड वन इज दैट कि हमें ये देखना है कि वेस्टिंग और ओवरवेट, बस इसके ना से थोड़ी सी डिफरेंट है कि आपको एक ही वेरिएबल में दोनों साइडों से हमें मेल न्यूट्रिशन को पकड़ना है। तो वो ये है कि अगर आपके -3 से नीचे है तो सीवियरली वेस्टेड है, और -2 से -3 तक मॉडरेटली वेस्टेड है, बट इफ योर चाइल्ड इज बेसिकली हैव द प्रॉब्लम ऑफ द ओबेसिटी, ओबेस मोटा है, मतलब वो भी तो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, तो इसलिए उसके लिए वो ये बताना चाह रहा है कि इसकी हाइट के मुताबिक इसकी वजन नहीं है, तो वो बच्चा जो है वो मोटा होना शुरू हो जाएगा। और देन फिर अगेन उसकी जो अपर बाउंड्रीज हैं 2 to 3 एंड 3 to above 5, ये तमाम भी आपके पास ओवरवेट की मेल न्यूट्रिशन में आएंगे। ये तो बेसिकली चार्ट था जो मैंने आपके बनाया। अब इस चार्ट को बेसिकली हमें प्रैक्टिकल करना है, और इसके लिए हमें टास्क 2 पे जाना होगा। टास्क 2 कहता है कि अंडरवेट करना है, आप अपने इस वेरिएबल को WAZ वाले को बेसिकली इसके मुताबिक, आप इसके मुताबिक जो है अपनी पूरी स्टडी को अपना बना लो, उसको रिकोडिंग कर लो कि ये कैसे आपका बन सकता है। अब तो हमें इसको तीनों के लिए हमने इसको समझाया है कि अंडरवेट की लिमिट्स ये हैं, स्टंटिंग की लिमिट्स ये हैं, और हमारे पास जो वेस्टिंग है उसकी लिमिट, हमारे पास ओवरवेट की लिमिट्स ये है। तो अगर हमें ये चीजें समझ में आ गई हैं तो नाउ वी मूव ऑन दी एस्पेसिस कोड, कि हम उस कोड को समझने में टाइम लगाते हैं। अंडरवेट के लिए जो हमने बताई थी आपको वो लिमिट्स यहाँ पर हमने रिकोड करवाया है WAZ का वेरिएबल। WAZ का वेरिएबल हमारे डेटा सेट में मौजूद है या नहीं, देखें WAZ का वेरिएबल हमारे डेटा सेट में मौजूद है, ये हमारे पास है, स्कोर सारे कैलकुलेट हुए हुए हैं, वेरी गुड, और HAZ भी हुआ हुआ, BAZ भी हुआ हुआ है। एंड जस्ट वी आर डूइंग के हम इसकी कोडिंग पे अब ज्यादा टाइम लगाते हैं। ओके, कोडिंग ये कह रही है कि WAZ का वेरिएबल है, सिसमिस को सिसमिस कर दें, लोएस्ट -3 से सारा नीचे को 1 कर दें, -3 से लेकर -2 तक का जो है वो 2 कर दें, -2 से अबव सारा 3 कर दें, इनको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें अंडरवेट में, और उसकी लेबलिंग कर दें कि 1 सीवियरली अंडरवेट होगा, 2 मॉडरेटली अंडरवेट होगा, 3 मोर अंडरवेट होगा। फिर चेक करने के लिए उसको क्रॉस चेक करके देखो कि WAZ के साथ उसका निकालो कि ये समझ में आ रहा है आपको। मैं वन बाय वन आपको एक करके दिखाता हूँ कि सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको किया और इसने कोई एरर नहीं दिया, मुझे ओके कर दिया। अब जाके देखता हूँ कि क्या ये वेरिएबल वहाँ बना या नहीं बना। ये देखें यहाँ पर ये वेरिएबल जो है मेरे पास जो फाइल खुली है इसमें ये अंडरवेट का वेरिएबल बन गया, मैंने इसको प्लस का बटन दबाया, इसमें वैल्यूज भी आ गई। अब बात ये है कि इसमें जो वैल्यूज आई हैं मुझे 3, 1 और 2 के नाम से आ रही हैं, मुझे उनकी लेबलिंग जब तक पता नहीं चलेगी तो मुझे समझ नहीं आएगा। अब मैं जाके उसको यहाँ पे लेबल कर देता हूँ।
जैसे ही मैंने इसको लेबल किया, इसने लेबल भी कर दिया। अब मैं जाके डाटा में दोबारा देखता हूँ कि क्या ये वहाँ पे लेबल हो गए। जी एग्जैक्टली लेबल हो गए, और यहाँ मुझे बता रहा है कि यहाँ पे अंडरवेट का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सीवियरली अंडरवेट है, यहाँ पर नो अंडरवेट, ये बच्चे हमारे पास पता चल गए। अब जस्ट हम इनकी अगर फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे तो हमें अंडरवेट और सीवियर और मॉडरेट की प्रेवलेंसेज मिल जाएंगी। अब व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज दैट कि मैं इसको चेकिंग करने के लिए इसका एक क्रॉस टैब रन करता हूँ कि यार ये फ्लैग केसेस के साथ क्रॉस टैब देखते हैं कैसा बन रहा है। तो मैं आउटपुट में गया तो ये बता रहा है कि आपके टोटल 1516 बच्चे थे, जिसमें से 78 बच्चे जो है ना वो फ्लैग हुए हैं, और फ्लैग बच्चों के अंदर भी सीवियर और अंडरवेट की प्रेवलेंसेज हैं, लेकिन उन बच्चों को हम अपनी स्टडी से बाहर निकालेंगे क्योंकि हमें वो हैं लेकिन हमारी स्टडी को मिसलीड करेंगी, एज पर देयर कट ऑफ वो हमें लगता है कि वो आउटलायर्स हैं, इसलिए उसको हम बाहर कर देंगे। सो वी जस्ट बेसिकली आर यूजिंग द इंफॉर्मेशन हेयर कि 1438 चिल्ड्रन आर द इंटरेस्टेड वैल्यू इन विच वी हैव टू यूज इट। मुझे यहाँ जाके पहले इसको डाटा में जाके सिलेक्ट कराना पड़ेगा कि मुझे वो फ्लैग केसेस को हटाओ, और फ्लैग केसेस में मेरे पास जो है वो डब्ल्यू एच जी है, बेसिकली डब्ल्यू ए है, ये आगे डब्ल्यू है, और मुझे इसको बताना है कि भाई जनाब ये इज इक्वल टू 1 हो तो मैं अपनी स्टडी को सिलेक्ट करवाओ, बाकी सबको गायब करवा दो। ये फिल्टर लग गया, बाकी कैसे देखें गायब हो गए, ये कट लग गए, ये आपकी डेटा एनालिसिस में नहीं आएंगे बिकॉज ये फ्लैग डोर है, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है एरर फ्लैग। ओके अब मैं जाके अपनी जो प्रेवलेंस को कैलकुलेट करूँगा वो देखें क्या बनती है अंडरवेट की। इसे रन कर दिया है, और जैसे ही मैं यहाँ गया हूँ तो ये डाटा मौजूद हुआ हुआ है। अब ये देखें, ये जो बेसिकली डाटा था वो फ्लैग के बगैर था और 1516 बच्चे आ रहे थे, नाउ ये बच्चे देखें आपके पास 1438 आ रहे हैं, ये वो फ्लैग केसेस को हटाने के बाद है। अब प्रेवलेंस में देखें थोड़ा फर्क आएगा, देखें ये 21% बच्चे सीवियरली थे, यहाँ पे 18% बच्चे जो है वो सीवियरली मॉडरेट। तो ये वो केसेस होते हैं जो वजह होती है कि जो आउटलायर को रिमूव करने में आपका डाटा जो है मजीद अच्छा हो जाता है। अगर अंडरवेट के ऊपर आप मेरी इस प्रॉब्लम को समझ गए हैं तो मैं कह रहा हूँ कि बाकी कोड को भी अंडरस्टैंड करें, और द सेम कोड इज दैट कि मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको पूरा कोड नजर आ जाए, कि ये जो पूरा कोड है इसको मैं आपके सामने पूरा स्क्रीन पे एक दफा कर रहा हूँ कि ये अंडरवेट का पूरा कोड लिखा हुआ है, और ये पूरा कोड जो है वो स्टंटिंग का लिखा हुआ है, ये पूरा कोड जो है वेस्टिंग का लिखा हुआ है। अब जस्ट मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये मैं जस्ट एक प्लग करूंगा तो ये पूरा वेरिएबल रन हो गया, और रन होने के बाद जब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो देखें इसने पहले केस के अंदर मेरे यहाँ मुझे दिखा रहा है कि ये मैंने इसको स्टंटिंग की सारी टैब रन करी, स्टंटिंग को देखा 126 बच्चे फ्लैग हैं उनको निकालना है, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसकी प्रेवलेंस निकाल के दी, और इसी तरह से यहाँ पर उसने पहले इस वाले केस के अंदर ओवरवेट और वेस्टिंग को निकाला, फिर उसने कहा कि इस केस के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये 1481 बच्चे खराब हैं, इनको निकाल के फिर हमने इसकी प्रेवलेंस रन करी, सीवियर मॉडरेट नॉर्मल मॉडरेट एंड ओवर, ये देखिए ये सारा प्रेवलेंस निकाल के हमें दे दिया है, ये परसेंटेजेस हैं, ये बच्चे हैं, ये इश्यूज हैं। तो दीज आर द बेसिकली थिंग्स दैट वी कैन यूज टू कैलकुलेट द मेल नोटेशन वेरिएबल्स। दिस इज अ वीडियो दैट्स बीन इन विद द कॉन्सेप्ट्स वर देयर, दिस इज डाटा इज देयर एंड देन द सिंटैक्स कोड इज देयर। डेफिनेटली वी मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द एसपीएस इफ यू वांट टू प्रैक्टिकली यूज दिस वीडियो। सो आई होप दैट कि दैट इज द टारगेट ऑफ माय कि आई वांट टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ डेटा एनालिसिस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इफ यू लाइक माय वीडियो माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब एंड स्प्रेड माय वीडियोस टू द अदर्स। थैंक यू वेरी मच।